समर का प्लांट है, तो समर में बहुत अच्छा अच्छा फ्लावरिंग करता है, और इसमें आप विंटर में थोड़ा सा इसका ग्रोथ रुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, नीलम वात्सल में स्वागत है आपका। और अगर आप मोगरा से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो मैं आगे बताऊंगी इसमें कि अगर मोगरा पर आपका फूल नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, उसको इसको कैसे समर में केयर करें। तो इसको मैं आज 5 टिप्स दूंगी दोस्तों। 5 टिप्स में हो गया कि आपको जैसे पहला टिप्स दे रही हूँ कि अगर मोगरा लगाए हैं तो सबसे पहला है कि पहले से अगर प्लांट है तो आप इसको फरवरी से मार्च तक इसको प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से आप प्रूनिंग कर दीजिए, सॉफ्ट कीजिए या हार्ड कीजिए, लेकिन कीजिए। दूसरा हो गया कि इसको प्रूनिंग करने के बाद इसको गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गुड़ाई करिए और गुड़ाई करके 2 इंच तक इसको पूरा गहरा इस तरह से आप रिंग बनाइए, पूरा गोले रिंग बना लीजिए, और उसके बाद इसमें फिर थोड़ा खाद ऐड कर दीजिए। तीसरा हो गया कि आप इसको जैसे ही आप इसको खाद ऐड करिएगा तो खाद ऐड करने के बाद इसको मिट्टी से इस तरह से ढक दिया कीजिए, और इसको ज़्यादा गर्म हवा में मत रखिए। ज़्यादा गर्म हवा रखिएगा तो वो भी दिक्कत करेगा, गर्म हवा ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, इसको पत्ती का जलने का चांस हो जाता है या बहुत ज़्यादा ये मुरझा जाता है, तो ऐसे भी नहीं होने देना है। खाद क्या ऐड करनी है कि खाद इसमें जैसे हुआ कि आपको 1 चम्मच पोटाश डाल दीजिए और थोड़ा सा DAP का घोल बनाइए, और इसको पोटाश बराबर आप 1 महीना पर डाल सकते हैं, क्योंकि पोटाश जो होता है पोटेशियम इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पसंद भी इसको बहुत ज़्यादा है। जैस्मिन प्लांट के जैसे इसको बेला भी बोलते हैं, जैस्मिन भी बोलते हैं, मोगरा भी बोलते हैं, तो इसका अनेक नाम है, बहुत सा इसका वैरायटी भी होता है। तो जैसे इसका इतना ज़्यादा स्मेल इतना सुंदर रहता है कि अपनी ओरे ज़रूर खींच लेता है, तो एक पौधा आपको ज़रूर लगाना चाहिए मोगरा का, जो आपका गार्डन है जो पूरा खुशबूदार धमधमाने लगता है। और फिर इसको समय से पानी देनी है, समय से पानी देना है, ज़रूरी है समय से पानी देना। ज़्यादा इसको ड्राई भी मत होने दीजिए और ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं होने दीजिए, गीली भी नहीं होने दीजिए। ज़्यादा गीली होगा तो इसका रूट सड़ेगा, ज़्यादा इसका पानी भी पसंद नहीं है, लेकिन नॉर्मल इसका नमी बनाए हुए रखिए आप। तो ऐसे करना है दोस्तों। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने फॉलो, आप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी मोगरा बहुत ज़्यादा इसी तरह से घनत्व फूल लेकर भरा रहेगा गमला में। और फिर क्या करनी है कि ज़्यादा जब ये फ्लावरी पीक पर होता है तो उस समय आप ओनियन पील और बनाना पील दोनों बनाइए। अब बनाने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे ओनियन पील को आप क्या करना है कि एक कैरी बैग लीजिए, तो जैसे देखिए कि मैं यहाँ एक कैरी बैग में इसको बनाना को भी रखी हूँ, जैसे देख रहे हैं यहाँ कुछ प्याज का भी छिलका है, कुछ लहसुन का भी छिलका है। तो ये जो हम लोग खा फेंक देते हैं ये हमारे पौधे खाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ये सब का। तो इसको कैरी बैग को इसी तरह से आप थैला बनाइए, अब इसको बांध दीजिए और आप बल्टी में इसको डीप कर दीजिए। और जैसे मैं इसका वीडियो भी बनाई हूँ कैसे बनाई हूँ सो, इसको खाद को डीप कर कर पानी में इसको 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर इसको निकाल कर आप हटा दीजिए, और उस पानी में उतना ही पानी आप ऐड कीजिए। अब पानी ऐड करने के बाद फिर क्या करना है आपको कि इसको फेंट कर सभी पौधा में आप डाल सकते हैं, कोई भी पौधा में आप डाल सकते हैं, एक ही नहीं कोई भी पौधा में आप डाल दीजिए, तो बहुत ज़्यादा इससे फ्लावरिंग होता है और ज़्यादा मात्रा में भी आएगा। जैसा हेवी फ्लावरिंग कहते हैं उस तरह से, जैसे मेरा अभी देख रहे हैं, अभी तो मेरा कली लग ही रहा है, कुछ खिला हुआ है, कुछ लग रहा है, कुछ अभी आइए रहा है, ते तो अभी शुरुआत है दोस्तों, आगे चलकर बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसी तरह से करनी है, और इसको केयर की ग्रीनेट लगा दीजिए, ज़्यादा ग्रीनेट तर रखिए, नहीं तो रेलिंग के नीचे रखिए, कड़कती हुई धूप मत दीजिए।
तो अगर ये सब आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपका भी मोगरा बहुत ज़्यादा खुशबूदार फूलों से भर देगा गमला। और नहीं तो आप ज़्यादा कड़कती हुई धूप में रखिएगा तो वो भी ठीक नहीं रहता है, जलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये थी कुछ शेयरिंग दोस्तों जो मैं आप लोग के साथ की हूँ। अगर पसंद आए वीडियो तो इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो लोग हैं उन्हें पता चले कि इसको केयर कैसे किया जाता है, और उनको फूल नहीं आ रहा है तो उनको भी फूल आने लगेगा। क्योंकि अगर आप इसको बेस्ट खाद दीजिएगा तो फ्लावरिंग तो ज़रूर करेगी और इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भोजन बढ़िया मिलेगा तो इसको ताकत तो मिल ही जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको अच्छी खाद दीजिए और अच्छा पानी दीजिए तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आपको भी देगा ये। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय।